क्या भगवान गणेश ब्रह्मचारी रहना चाहती थी, फिर भी उसने मजबूरन दो दो शादियां क्यों की? आखिर भगवान गणेश की पत्नियां और बच्चों का क्या नाम है? और दोस्तों, देवी तुलसी ने क्यों दिया भगवान गणेश को दो विवाह करने का श्राप? और क्या आप जानते भगवान गणेश की पूजा में तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। शादी विवाह हो या कोई अनुष्ठान हो, सभी देवताओं में भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है। हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को पूजने से सभी कार्य सफल होते हैं। इससे आपको कोई विघ्न नहीं आता और इसीलिए तो उन्हें दुख हरता विघ्न हरता भी कहा जाता है। भगवान गणेश को सबसे पहले पूजे जाने का प्रसंग काफी प्रचलित है, मगर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान गणेश ने दो विवाह क्यों किए। दोस्तों, कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखना। एक बार भगवान गणेश तपस्या में लीन थे, तभी वहाँ पास से तुलसी जी जा रही थी। गणेश जी को देखकर तुलसी जी उन पर मोहित हो गए और उन्होंने भगवान गणेश के समक्ष विवाह प्रस्ताव रख दिया, परंतु गणेश जी ने ये कहकर उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वे तो ब्रह्मचारी है। इस बात से तुलसी जी रुष्ट हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका एक नहीं बल्कि दो बार विवाह होगा। इसी प्रकार एक अन्य पौराणिक कथा में वर्णन मिलता है कि गणेश जी की बनावट और उनके गज के चेहरे के चलते उनसे कोई भी विवाह नहीं करना चाहता था, और इस कारण भगवान गणेश नाराज हो गए और दूसरे देवताओं की शादी में विघ्न डालने लगे। तब सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। तब भगवान ब्रह्मा ने समस्या को सुलझाने और गणेश जी को मनाने के लिए अपनी योग शक्ति से दो कन्याओं रिद्धि और सिद्धि को जन्म दिया। ये दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रिया थी। इन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुँच गए और दोनों को शिक्षा देने की बात कही। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भगवान गणेश दोनों को शिक्षा देने लगे। इस दौरान जब भी मुशकराज किसी देवता के विवाह की सूचना देने भगवान गणेश के पास आता था, तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई बात छेड़ देती थी। इससे देवताओं का विवाह बिना किसी समस्या के संपन्न होने लगे। एक दिन भगवान गणेश को ज्ञात हुआ कि रिद्धि और सिद्धि के कारण देवताओं का विवाह बिना किसी रुकावट के संपन्न हो रहा है, जिससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए। हालांकि उसी समय भगवान ब्रह्मा वहां पर प्रकट होते और गणेश जी से कहते हैं कि मुझे अपनी दोनों पुत्रिया रिद्धि और सिद्धि के विवाह के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा। गणेश जी, कृपया आप ही इनसे विवाह कर ले। इस प्रकार भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। बताया जाता है कि उनसे उनके दो पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। आपका इन कथाओं को लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।